हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC, UDC, स्टेनो और MTS की वैकेंसीज़ के ऊपर। ठीक है, तो गाइस डिटेल में ये वीडियो रहेगा। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ओवरऑल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 3,847। ठीक है, UDC में 1,735, स्टेनो में 165 और MTS के अंदर 1,947 पोस्ट हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रीजन वाइज कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो गाइस रीजन वाइज अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रीज़न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं एक बार फिर से, 1,735 UDC की हैं, स्टेनो की हैं 165 और MTS की हैं 1,947। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। ESIC रिक्रूटमेंट 2022 है। ठीक है, पोस्ट आप देख सकते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल वैकेंसीज 3,847। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी दोस्तों, वो होंगी 15 जनवरी 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन 15 फरवरी 2022। ठीक है, और आज का ये जो नोटिफिकेशन है वो आज रिलीज़ हुआ है, 28 दिसंबर 2021। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दा क्वालिफ़िकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर UDC का अलग क्वालिफ़िकेशन है, स्टेनो का अलग है और MTS का अलग है। तो UDC में दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसिस। तो क्या आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ऑफिस सूट्स और डेटाबेस, थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में आपको, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो की अगर बात कर लें तो 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो 12th पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स की अगर बात कर लूँ तो गाइज डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात कर ले तो 50 मिनट इंग्लिश का और 65 मिनट्स हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये स्टेनो का हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, UDC का आपने देख लिया। MTS की बात कर ले तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखा है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पे स्केल भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, पे लेवल 4 है UDC और स्टेनो का, और MTS का पे लेवल 1 है। ठीक है, एज़ पर 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि आपका कैलकुलेट होगा 15 फरवरी 2022 को बेस मान करके। ठीक है, अगर आपकी एज 15 फरवरी 2022 को 18 या फिर उसके 18 या फिर 27 के बीच की है तो आप UDC और स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS में जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25। ठीक है, एज़ पर 15 फरवरी 2022। गाइज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स अगर जनरल है तो 10 ईयर्स, OBC है तो 13 ईयर्स और SC ST है तो 15 ईयर्स। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये एज क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली, आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विस मैन के लिए 250 रुपये हैं ओनली, 250 रुपये। ठीक है, यहाँ पर बैंक चार्ज विल बी बॉर्न बाई द कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी हैं जैसे कि OBC हो गया और UR हो गया, तो उनके लिए 500
रुपये यहाँ पर रखी गई है। EWS भी यहाँ पर शायद शामिल है, EWS के कैंडिडेट्स, ठीक है, तो 500 रुपये उनके लिए हैं। ये हो गए दोस्तों हमारी एग्ज़ाम फीस की बारे में बात, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों UGC एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, तो सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। UGC के एग्ज़ाम पैटर्न में दोस्तों 3 फेज़ होंगे। पहला दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है, दूसरा मेंस और तीसरा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। प्री एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। टोटल टाइम मिलेगा दोस्तों आपको 1 आवर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा वर्जन। यहाँ पर दोस्तों 1/10 यानी कि वैकेंसी का 10 टाइम्स यहाँ पर लिया जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। फेज़ वन अपना हो गया प्रीलिम्स एग्ज़ाम। फेज़ टू की दोस्तों अगर बात करें तो मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में सेम सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या किया गया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को डबल कर दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन को डबल कर दिया गया, बाकी सब वही है, ठीक है। यहाँ पर 1/5 यानी कि वैकेंसी का 5 गुना ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये सेकंड हो गया। यहाँ इसी के ऊपर दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर शायद दे रखो, ये रहा फेज़ टू मेंस एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सेलेक्शन, ठीक है, तो इसी के ऊपर फाइनल मेरिट बनेगी। और जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आपका ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, प्रिपरेशन ऑफ 2 PowerPoint slides 10 मार्क्स की होगी। टोटल दोस्तों जो मार्क्स है वो 50 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सेकेंड है टाइपिंग मैटर ऑन MS Word विथ फॉर्मेटिंग, ठीक है, 20 मार्क्स। प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS Excel विथ यूज़ ऑफ फार्मूला, तो 20 मार्क्स का ये होगा। तो ओवरऑल 50 मार्क्स का अपना पेपर होगा, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, जनरल के लिए 45%, ठीक है, OBC के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, 35% SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 30%। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो ओनली फॉर फेज़ टू पर बनेगी, ठीक है, तो फोकस कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेनो के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो गाइज स्टेनो का एग्ज़ाम पैटर्न जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वही आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर दे रखा है फेज़ वन मेंस एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सेलेक्शन, यानी कि जो आपका पहला ही पहला एग्ज़ाम होगा वही आपका फाइनल सेलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 70 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 35 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों वैकेंसी का 10 टाइम्स लिया जाएगा। फेज़ टू दोस्तों स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का दोस्तों उसी तरह से जैसे कि 45% जनरल के लिए, 40% EWS और OBC कैटेगरी के लिए, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और 30% PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा आपकी इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में 50 मिनट्स का, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 70 मिनट दिए जाएंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेंगे और 90 मिनट्स यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। तो ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, आपकी जो मेरिट बनेगी वो फेज़ वन के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों MTS एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो MTS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ओनली फॉर प्री और मेंस, दो ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होंगी। पहला दोस्तों क्या है कि सेम एज UDC
जैसा यूडीसी का पैटर्न था प्री और मेंस का, वैसा ही यहाँ पर पैटर्न बनेगा। यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, वन वैकेंसी का 10 टाइम्स लिया जाएगा प्री में, और मेंस पे आपके जो है वो मेरिट बनेगी। ये आप दे रखा है, मेंस एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सेलेक्शन, ठीक है। रॉन्ग आंसर का 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, 45% जनरल, 40% OBC और EWS, और 35% अपना SC ST और एक्स सर्विसमैन, और 30% PWD कैटेगरी, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने बात की। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए दोस्तों, ESIC सिलेबस अगर आपको चाहिए, तो बैंकिंग पैटर्न का सिलेबस है, ठीक है, वो मैं आपको दे सकता हूँ अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो इस वीडियो पर, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों अगर आपको सिलेबस चाहिए तो, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा इस चैनल पर, तो जुड़े रहिएगा दोस्तों चैनल से, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, बैंकर्स फंडा नाम से टेलीग्राम चैनल है, यही लोगो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइस।